सब नू पहला फतेह अर्जा जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत विद्वाना ने बहुत अच्छिया गल्लां कीतियां और फैडरल स्ट्रक्चर की लोड़ नू वध अधिकारां दी लोड़ नू बहुत अच्छे तरीके नाल डिफाइन किया, एनालाइज किया। मैं पिछले पच्ची साल तो एस पी सिंह जी जिदा मेरे बहुत अजीज मित्र भी ने बड़े अरसे तो सी, चाहे कई रही 6 महीने साल ना भी मिली है लेकिन साड़ी वेवलेंथ एक हैगी है। मैं पिछले 25 साल तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स च, एक तो मैं तुहानू अपने तजर्बे दे राही ये कहना चाहुंदा कि इह सिस्टम ही फेल है सारा। आपां चल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली बिकॉज एक अपने आप में सब तो वड्डी जमहूरीयत कहने आपां दुनिया च, पर जे तुसीं इस नू केयरफुली एनालाइज करा जिहड़ियां गल्लां इन्हां ने अपनियां इंटरमिटेंट जिहड़े रेफरेंसिस दित्ते बड़े अच्छे अपने सटायर विच गल कीती है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। ये सब एवं एक दिखावा है और जिहड़े लोग इस वक्त राजसत्ता च बैठे उन्हां नू बहुत सूट करता, उन्हां नू स्टेटस को सिस्टम जिहड़ा चल रहा हैगा उन्हां नू एडवांटेजस हैगा। नीचे अगर आप देखिए क्योंकि आप बेसिकली सिस्टम अडोप्ट किया फ्रॉम द ब्रिटिश, उन्होंने चलाने का ढंग तो अपने चलाने का ढंग जमीन आसमान का फर्क है। जे आप कल फैडरल ढांचे के उदे झात मार लीए कि डेमोक्रेटिक तरीके इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड आयरलैंड डील किया वा, कैनेडा ने क्यूबिक स्टेट, डॉक्टर गांधी ने मैं बैठा से कन्फर्म कर रहा से 3 बार उत्थे रेफरेंडम्स हो चुके हैं, वो फ्रेंच डोमिनेटेड स्टेट है, वो कहते असी तुहाड़े तो अलग होना, वो कहते जी सद के अलग हो जाओ कोई गल ही नहीं की, रेफरेंडम करा लैने वोटां पवा लैने आ, जे तुहाडी वोट वध आ तुसीं अलग हो जाओ। 3 वार वो छोटे थोड़े मार्जिनस से जिहड़े फ्रेंच लोग सीगे वो हार जाते रहे, बड़े सोहणे सैटल्ड आ, कोई गोली नहीं चली, कोई टैंक नहीं चढ़िया, कोई लाठियां नहीं वज्जियां, कोई कतलो गारत नहीं हुई। सी नाउ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रू फेडरलिज्म। एंड जिहड़ा आपां हुण इत्थे जिक्र किया शायद कि आपां थ्योरेटिकली आपां उहनूं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये है नहीं आए एवं गलत फहमियाँ, ठीक है डक्के डोले खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, डीसियां एसएसपियां दे पेश हो रहे हैं, लेकिन इंसाफ नाम की चीज़ बिल्कुल कोई है नहीं। मैं ये अपने तजर्बे तुहानू नाल शेयर कर रहा वा और मैं अपनी गल कर लवा, आई एम नाउ थर्ड टाइम MLA, साढ़े स्पीकर साहब बैठे ने, MLA बनने का बड़ा ही शौक है लोगों जी। कई बार MLA बनने वास्ते लोग 3-3, 4-4 करोड़ रुपया, जिथे कितने ज़्यादा टसल है शायद 8-10 करोड़ रुपया भी खर्चते लोग, तो है ही कख नहीं अंदर वो। वी हैव नो पावर्स एज लैजिस्लेटर्स, शायद थोड़े चो भी कई शायद इलम ना हो, बहुत चंगे विद्वान भी बैठे ने समझते हैं, साडा नाम दिता सानू जी विधानकार, विधानकार मीनस लैजिस्लेटर लॉ मेकरस, लॉ तो असं विधानसभा जी बनावे ना, तो विधानसभा मिलती है 365 दिन चो एवं 12-15, 20 दिन, 25 दिन, उत्थे भी साड़ी फ्रीडम नहीं हैगी। चलो अज स्पीकर ने, लेकिन जो ये ओपोजिशन से यही गल्ला जो मैं कह रहा यही गल्ला ये कहें उत्ते बहुत शोर मचा के फेयरनेस ही है नहीं। मैं इन्हों इन्हों को तंज नहीं कस रहा, एक सिस्टम पुराना बनया रद्दी, वो जिहड़ा उत्थे आण के बह जांदा उस रद्दी सिस्टम नूं होर रद्दी दबा के करदा वा। तो साढ़े को मैं MLA फिर तुहानू कहिंदा रीइटरेट करदा, वी हैव नो पावर्स एट ऑल। जिहड़े MLA नींह पत्थर रख रहे ना पिंडां जाके, ये सारियां यूसर्प्ड हाईजैक पावर्स है, साडा कोई असी कोई नींह पत्थर नहीं रख सकते, असी कोई उद्घाटन नहीं कर सकते, असी किसी का साढ़े कोई डिस्क्रिशनरी MLA दे कोल कोई इस तरह का फंड नहीं गा जिहदे नाल असी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पिंडां च या किसी कस्बियां शहरां दे विच क्रिएट कर सके, इट्स अ टोटल फार्स। सो गल इत्थों शुरू होनी चाहिए कि जिहड़ा एक टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही फेल हो चुका। असूलन तो अज देश के चंगे बंदियां नूं चंगियां पार्टियां नूं एक अपना प्रैक्टिकल मॉडल कढ़ना चाहिए वा, जिहदे नाल भारत देश जिहड़ा वो विकसित देशों की तर्ज ते चल सके। लेकिन किसी ने करना नहीं गा क्योंकि जिहड़े बैठे ने उन्हां नूं सूट करता वा। हुण तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़ियां स्कीम्स दिल्लियों बनदियां ने, लेबर दियां स्कीम्स, एजुकेशन दी दा सिलेबस या कोई होर डिवेलपमेंट दियां स्कीम्स कदी यूनिवर्सल हो सकदियां ने? पंजाब दे जमीनी हालात होर ने, जम्मू कश्मीर दे होर ने, तमिलनाडु दे होर ने, नॉर्थ ईस्ट दे होर ने, लेकिन सारियां हैम यूनिवर्सल, सारियां दे इकट्ठियां लागू कीतियां जांदियां ने, सारे सूबियां दियां अलग अलग भाषावां धर्म वगैरह सभ्याचार, लेकिन सिलेबस सानू सारयां नू CBSE ते ICSE दे राहीं इक पढ़न दे मजबूर किया जा रहा।
आ तीन चार गल्लां तां पंजाब दे नाल जिहड़ियां बहुत प्रोमिनेंट ने पाणियां दी गल हो चुकी है, मतलब साडा पाणी पंजाब इज सिंगल स्टेट रिवर, नो इंटर स्टेट रिवर एट ऑल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रैपेरियन लॉ दे, साडा पाणी भी चले गया वा। साडी तालीम दे विच मैं पुछ रहा सीगा बच्चों, मेरे ख्याल गुरु साहिबान के बारे भी बहुत घट पढ़ाया जाता, तो शायद महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर ही है नहीं कितने चज नाल, जिहड़ा सब तो वड्डा एक सॉवरन राज होया इस किते दे विच, इस एरिया दे विच जिन्हें फेयर ते जस्ट रूल दिता, उहदा कोई जिक्र ही है नहीं कितने भी। लॉ एंड ऑर्डर कहण नूं साडा सबजैक्ट है, लेकिन जदों NSA लाउणी आ, युआपा लाउणी आ, जां कोई होर टाडा लाउणी आ, उह साडा कन्न मरोड़ के उत्तों लवा दिंदे ने। आ हुणे ताज़ा जो हालात होए, कितने कीड़ी नहीं मरी, कोई कतलोगारत नहीं हुई, कोई दंगे नहीं हुए। लुक एट द मैसिव ह्यू एंड क्राई क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एस्टैबलिशमेंट मशीनरी, इदा पेश करता पंजाब नूं कि पंजाब तां जी सारा ही एंटी नैशनल हो गया, ये तो बिल्कुल टुटण वाल टुटण दे कंडे दे खड़ा वा। सत्त जिलों की पुलिस एक बंदे नूं लभदी, इहनूं सवेरे 5 बजे घरों चक सकदे सी, फड़ सकदे सी, वह घरे बैठा सीगा उदन सवेरे। NSA साढ़े बच्चे चक के आसाम दे विच भेजते हैं, टैल मी वॉट सेंस डज इट मेक। तुसीं पनिश जो करो सारयां नूं, जिहदा किसी का जिन्ना कसूर बनता, अगर उन्हें अजनाले थाने हमला किया 307 लाओ, 452 लाओ, अगर वो खालिस्तान की मांग कर लिया वो सेडिशन के चार्जेस 153 सैक्शन ए हैगा वा, उन्होंने फड़ के अंदर दो, जिनी देर वो ट्रायल करो अच्छी तरह, सज़ा दो जी सज़ा बनती है तो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी साढ़े हाथ, कहने साढ़े हाथ है, तो आप फैडरल ढांचे की गल कर रहे, साढ़े को तो वह भी है नहीं गा जिहड़ा स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ वा, एग्रीकल्चर स्टेट सबजैक्ट है। राजेवाल साहब कह के चले गए ने, कानून उत्तों बनाई जाते हैं, और सारा कुछ वायदा करके एड्डा वड्डा अंदोलन होया, सारा वायदा करन तो बाद हुण फिर साइलोज़ नूं ते गोडाउनस नूं मंडी डिकलेयर कर दिता वा। MSP बनाई ही नहीं अज अज तक, जिहड़ी कमेटी बनाई उहदे च जिहड़े संघर्ष करन वाले सी स्टेक होल्डर्स उह पाए ही नहीं उहदे विच, इहदों ज़्यादा ज़्यादती की हो सकदी मैनूं दस्सो तुसीं ज़रा। सो देयरफोर और फैडरल स्ट्रक्चर इट्स अ नीड ऑफ द आवर, बट इट शुड बी फेयर एंड जस्ट, बराबर दे स्टेक होल्डर्स। और मैनूं गल याद आउंदी आ, मेरे पिता जी क्योंकि अकाली दल नाल संबंधित सीगे, 72-73 च जिहड़ा ओरिजिनल आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, पहला तो उन्होंने भंडिया इन्नी बुरी तरह नाल, ऐ पेश करता जिदा बहुत वक्फवादी रेजोल्यूशन है जी, बस देश टुटी चलिया वा, और साढ़े बजुर्गों ने बहुत अकलमंदी का सबूत दिता उदों, और कदों उठाती जी गल, आप अज मेरे ख्याल लिटरली 50 साल बाद डिस्कस कर रहे, उन्होंने 50 साल पहला सोच ली सी, और बहुत सारिया रीजनल पार्टीज़, बहुत अच्छी एक स्ट्रगल, बड़ा अच्छा एक बनिया सिस्टम, लेकिन फिर हौली हौली वह गायब हों रहा। वह कारण एक हैगा कि जो मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स है, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया, उन्होंने तो जुबान भी एक है, उन्होंने पहरावा भी एक है, उन्होंने सभ्याचार भी एक है, उन्होंने मोस्टली धर्म भी एक हैगा, उन्होंने तो लोड़ ही कोई नहीं गी। ये जो फ्रिंज पर बैठे ने लोग, जिहड़ियां घट गिनतियां ने, चाहे वह जम्मू कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे केरला, चाहे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आ साउथ दियाँ, नॉर्थ ईस्ट दियाँ, उन्होंने लोड़ है असल में इस वध अधिकारां दी ते इस फैडरल ढांचे की। तो फिर हुण दुख की गल है कि जिहड़े आपां जदों पहलां भी जिक्र होया वा कि आपां फैडरल ढांचे की गल करते 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 इहो जिहे मुकाम ते आ गया इंडिया कि जदों 2020 च शायद एब्रोकेट किया 370 जी, हाँ 2019 च 370 जिहड़ा एक उन्होंने बड़ा एक स्टेटस दिता से, कॉन्स्टिट्यूशन ने बकायदा गैरंटी सी इंटरनेशनल सारी डोमेन दे विच कि तुसी साडा साथ दिओ, तुहानू असी अलग अधिकार अपना अलग स्टेटस देंगे। एक पार्लियामेंट का सैशन बुला के ते उहदे जम्मू कश्मीर के 3 टोटे कर दिते, 3 UTs बनाते, इहदे नाल कोझा मजाक की हो सकता सीगा। ते जिहड़े वोटरीस जिहड़े सब तो वड्डे मुद्दई रहे ने, दे ऑल सपोर्टेड दिस ड्रैकोनियन मेजर, दिस ब्लैक लॉ कंप्लीटली। सारिया पार्टियां ने उस बहाव दे विच वग गए, ये नहीं देखा कि एड्डी वड्डी ज्यादती हो रही, उहदी सीधा डायरैक्ट इंपैक्ट अपने ते पैणा वा। कुछ लोग अपना फुल स्टेटहुड मंगते हैं, केजरीवाल साहब उन्होंने भी बड़ी जम के तारीफ की जी, बहुत वड्डा नैशनलिस्ट, फिर तुहानू कादली स्टेट देणगे जे तुसीं दूजियां स्टेटां तोड़ के उहदे च खुश हो तुसीं तां। सो देयरफोर मेरे सत्कारयोग वीरो, भैणों, बजुर्गों, विद्वानों और उपर स्टेज पर बैठे सारे सत्कारयोग, इनू इस तब्दीली लियानी सुखाली नहीं गी, इट विल नीड अ मैसिव मैसिव एफर्ट। जिहड़ा किसानी अंदोलन सी ना, उहदे च उह इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो के इसलिए चल गया क्योंकि वह सब ना कंसर्न सीगा, जिहड़ियां इदां दीआं गल्लां ने
आम जनता नूं टच ही नहीं करदियां। एक पंजाब या देश विच नवां सिस्टम बनिया कि मैनू की ते सानू की, नाल दे घर विच अग लगी हुई है कहिंदा मैनू की आ, फलानी लड़की का बलात्कार हो कहिंदा मैनू की आ, सानू की आ, किसी होर की लड़की हैगी आ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਬਿਕਮ ਸੂਡੋ ਰੀਜਨਲਸ, ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਕਨਵਰਟ ਦੇ ਟੁੱਕ ਵੋਟਸ ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਬਟ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਰੀਜਨ ਹੈਡ ਜਸਟ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਪਾਵਰ, ਟੂ ਬਿਲਡ ਇੰਪਾਇਰਸ, ਟੂ ਬਿਲਡ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਹ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।